अब मैं मरने वाला हूँ यार, इतने कम एचपी और तीन लोग मुझे डायरेक्ट रश कर रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात हो जाती है, क्या बैच जनरेशन सर्वाइव कर पाएंगे। गाइस आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना ये वीडियो देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। आप लोग का रिएक्शन रहेगा रोनाल्डो को देखने के बाद, जिसका नाम क्रोनो है गेम पे। ओ भाई साहब, बैज भाई ये क्या दिखा था यार आपने, मतलब इतना गेम चेंजिंग कैरेक्टर ये भाई होने वाला है। ये अभी कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा स्टोर पे, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं इसको। जिसका नाम मिस्टी कैरेक्टर था एडवांस सर्वर पे, जब हम एडम 210 गए थे वही ये कैरेक्टर था। उसकी स्किल्स आज मैंने यूज करी भाई, मैं चकित रह गया, आप लोग भी चकित रहने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बंडल वगैरह इसको पहना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे रोनाल्डो भाई साहब कैसे लग रहे हैं। कुछ बंडल उन्होंने भेजे हुए थे और ये रही इसकी ड्रेस, है इसकी बस पैंट्स देख लेते हैं एक बार। इसकी पैंट भी बड़ी ओपी लग रही थी, ये रही इसकी पैंट, गजब। बस इसके शूज रह गए, वो भी देख लेते हैं। और ये रहे CR7 के जूते। तो ये रहा इसका कंप्लीट ड्रेसअप, बहुत ही ओपी ड्रेस लग रहा है। और बाल तो इसका कुछ थे नहीं, इसका यही सिंपल सा लुक है। अगर कुछ हम बाल इसको पहना के देखते हैं एक बार कैसा लगता है, ये वाले बाल पहना के देखते हैं। ओ नहीं 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 यार, पूरा जोकर लग रहा है रोनाल्डो, इससे अच्छा इसको पहनाते ही नहीं है, बाकी नॉर्मली अच्छा लग रहा है यार। ये रहा भाई, इसमें ओपी लग रहा है एकदम स्मार्ट सा। अभी ना ये इसका पूरा ड्रेसअप कंप्लीट हो गया, फटाफट से इसको हम लेवल 8 का कैरेक्टर कर लेते हैं। इसके स्किल्स तो मैंने आप लोगों को बता दी थी, जो फुटबॉल जैसे बना देता है। तो अभी हम इसको गेम में ले जाकर देखेंगे कि ये कैसा वर्क करता है। ओके तो हम जल्दी से इसको लेवल 8 का कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक लेवल 8 का कार्ड बचा हुआ था, एकदम सही टाइम पे यूज करने का टाइम मिल गया। ये देखो यहाँ पे एक कार्ड बचा हुआ, फटाफट से इसको बैक स्लैप का कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे रोनाल्डो भाई साहब सीधे मैक्स लेवल के, और हम फटाफट से इसके स्किल स्लॉट भी खोल लेते हैं, इसमें कुछ स्किल्स वगैरह लगा देंगे। डैमेज तो है नहीं भाई के पास, तो यार गोल्ड से काम चला लेते हैं। और तीसरा सबसे महंगा होता है 10,000 गोल्ड का। ओके तो अभी हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं एक ये डैश वाली स्किल। अब मैंने सारे स्किल स्लॉट इसके भर दिए गाइस। आपको एक छोटा सा क्विक अपडेट देना चाहूंगा, 19 दिसंबर को यार लॉगिन करना मत बोलना। वैसे तो हम लोग गेमर रोज ही लॉगिन करते हैं, बट अगर कोई उस दिन बिजी है तो यार उस दिन एक बार लॉगिन जरूर कर लेना, क्योंकि उस दिन फ्री आइटम्स मिलने वाला है। एक है MP5 की न्यू स्किन और एक है बाइक वाली स्किन, जो कि दोनों हमको इवेंट के थ्रू मिलेगी। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ वो कौन सी बाइक मिलने वाली है। ये रही वो बाइक, ठीक है, ये भी जल्दी आने वाली है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ MP5 की स्किन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक डैमेज है और एक रेंज ज़्यादा है MP5 की। तो ये वाली स्किन आने वाली इवेंट के थ्रू आपको ही मिलेगी। तो चलो यार बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से हम लोग सीधे CS रैंक पे कूद मारते हैं और देखते हैं CR7 का जलवा कि रोनाल्डो भाई साहब हमारे वहाँ पे क्या जलवा दिखाते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आने वाला है। रैंडमली शुरू करते हैं और लोगों का रिएक्शन भी देख लेंगे कि एक तो हमारे पास क्रोनो कैरेक्टर आ गया है और दूसरा मैंने नाम भी चेंज करा हुआ है भरत भाई हिंदी में, लेकर देखते हैं कि लोग पहचान पाएंगे यानी कि बैच 19 आया नहीं आया। चलो भाई गेम शुरू हो गया है और देखते हैं कि कौन से बंदे आते हैं। सबसे मेन हमको देखनी है इसकी स्किल भाई कैसे वर्क करती है। ओके भाई इस नाम से इसने ओके गाइस इसने पहचान लिया गाइस कि मैं बैच 19 रनू करके। मेरे ख्याल से इसने मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर होगा, सारी वीडियो देखता होगा। तो चलो फटाफट से हम लोग गेम शुरू हो गया। हाँ भैया हम बैच 19 नहीं है भाई। चलो ओके क्रोनो कैरेक्टर लेके। इसकी ड्रेस तो भाई बहुत ओपी लग रही है यार, एकदम मस्त। आलोक से भी बेटर लग रही है, आलोक जैसी है लेकिन आलोक से बहुत बेटर लग रही है। और भाई आलोक को तो वैसे सच में टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, इतना पावरफुल है ना ये कैरेक्टर, जो इसकी मूवमेंट स्पीड बताया ज़्यादा है, 30% तक इसकी स्पीड मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसकी ऑन करी हुई थी स्किल, अब इसके अंदर मुझे कोई नहीं मार सकता है। यहाँ पे बंदा भाई बड़ा पहली फुर्सत में निकल घूम के आ रहा था, तू भी आ जा बेटा, तेरे को भी फुर्सत में भेजता हूँ भाई, रोनाल्डो अपने पास यार। ओके तो पहले भागे डर के मारे, एक यहाँ पे से बहुत मजे ले रहा था। आ जा बेटा, ये ऊपर हेड पड़ा है इसको एक, और थोड़ा सा डैमेज और देना है। और भाई यहाँ पे सीधे किससे पहले फुर्सत में निकल। अरे 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 भाई ये बंदा गाइस जो हम कूद गया था, चलो सही है भाई जल्दी से इसको लपेटे में ले लो गाइस। पता नहीं कैसे प्लेयर हैं ये लोग, मेरे ख्याल से मार देंगे यार, दो को तो मैंने लपेटे ले ही लिया है। मारो 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 मारो, बहुत ही ओपी भाई, बहुत ही ओपी। पहला राउंड हम लोग जीत गए। चलो यार अब हमको मेन एनिमी के सामने जाके ये स्किल को टेस्ट करना है। बाकी जो मेन क्रोनो अपडेट आने वाला ना गाइस, बहुत ही ओपी होने वाला है। चलो यार गाइस हम लोग सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं, एक मस्त वाले गन निकाल लेते हैं। मेन जो ये कोलैबोरेशन करा है ना रोनाल्डो के साथ, भाई मजाक नहीं है यार फ्री फायर ने, मतलब फुटबॉल का भाई वो लीजेंड है, टॉप नंबर 1 प्लेयर में आता है वो वर्ल्ड के, उसके साथ कोलैबोरेशन भाई, मतलब फ्री फायर का लेवल देख रहे हो भाई कितना आगे जा रहा है अपना गेम का लेवल। हिदैक मेरे ख्याल से गाइस ये बाहर के हैं, बंदा एकदम खुश हो गया इमोट देख के उसका रिएक्शन। चलो भाई आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे अब मेन ना इसकी हमें एबिलिटी टेस्ट करनी, बस मौका दे, मौका नहीं मिला था एबिलिटी टेस्ट करने का। ऊपर से मेरे ख्याल से ना ऊपर से ही आएंगे सारे बंदे। बैज भाई माइक नहीं खो सकते भाई, बैज भाई थोड़े फोकस दे अभी। ओके भाई क्या ओपी हेड्स लगा दोनों बंदे, वो फटाफट खा लेता हूँ एक दो बंदे तो मैंने लपेटे में ले लिए। कहाँ पे छुपे होंगे यार ये लोग वैसे, ये अपने दोस्तों को समझाने में लगाया गया इसके बैच 19, मेरे ख्याल से दोस्त विश्वास नहीं मान रहे। और गाइस ये देखो ये वो मैंने एबिलिटी लगाई यहाँ पे, अभी मेरे को कोई नहीं मार सकता इसके अंदर, लेकिन मैं मार सकता हूँ, लेकिन आसपास फिलहाल को दिख नहीं रहा। ये रहा बंदा, और बेटा पहली फुर्सत में निकल, इसका भी किस्सा खत्म।
चल भाई आ जा लपेटे में तू भी। ये बस एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, तीन बंदे को तो मैंने ही खा दिया। गजब यार इसकी चलाने का मजा, इसकी जो ड्रेस है ना वो भी बहुत ओपी लग रही है भागते हुए। ये देखो चलो भाई डेजर्ट गल भी मिल गई अपने को, यहाँ पे है शायद बंदा। चलो यार मस्त करके वाला राउंड भी हम लोग जीत गए। वहाँ पर ना रोनाल्डो ने जो हेडशॉट दिखाया ना एक तरफा ही करा मैंने वहाँ पे, मेरे अभी ना इसकी एबिलिटी लगाना बाकी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। तो यहाँ पे 2-1 स्कोर हो गया है, 2-1 2-1 अभी ना मैंने ऑग निकाल दिया मस्त करके, अभी बताएंगे इनको। अभी तो भाई कुछ भी हो ना एबिलिटी यूज करने का मौका नहीं दे रहे, इस बार तो मैं सीधे घुस जाऊंगा यार। तो भाई यार अपना माइक खोल लेना, माइक नहीं खोल सकते भैया, बैज नाइटियन बहुत ही बिजी है, इसको माइक करो ऑफ, सॉरी स्पीकर को करते हैं ऑफ, थोड़ा फोकस हो जाता है। देखो यहाँ पे गाइस सारे बंदे घूम के आ रहे हैं यहाँ पे, आ जाए बड़ा ओपी वाला हेडशॉट। ओके 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 दो बंदे और आ गए वहाँ पे, अच्छा खासा डैमेज दिया और ये बंदा कर रहा है रश, बंदे को जोश आ गया, अभी हमारी बारी आ गई है। आ जाए बेटा ये गैप पहली फुर्सत में निकल, हेडशॉट ओपी वाला, और ये भी भाई साहब भाई तीनों में मैंने अकेले लपटे में ले लिया गाइस। देखा अगर ये वाली स्किल नहीं होती मैं 100% डाउन हो जाता, ना ही मेरे पास ग्लू बॉल काम की रहती है यहाँ पे, और ना ही मेरे पास और ना ही कोई आलोक की एबिलिटी मुझे बचा पाती। बस यहाँ पे रोनाल्डो की एबिलिटी से वो लोग मुझे मार ही नहीं पाए यार, मैं वो लोग गोली मारते रह गए और मैंने आराम से उन दोनों को हेडशॉट मिल दिया क्लोज रेंज। मतलब अगर देखा जाए ना तो बहुत ही ओपी कैरेक्टर है यार, एकदम गेम चेंजिंग कैरेक्टर। जैसे आलोक गेम चेंजिंग था ना, ये भी गेम चेंजिंग होने वाला भाई, इसका ट्रेंड अभी आने वाला तगड़ा वाला। ओके तो बाकी अपने यहाँ पर पूरी टीममेट्स की बैंड बजा दी है, एक बंदा तीन को तो मैंने खाया, इसको भी मुझे ही खाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ना गाइस यहाँ पे छुपा हुआ है, ये कहाँ छुपे हो चचा? ओके ओके यहाँ पे है, ये दोबारा से एबिलिटी यूज़ करी और सीधे हेडशॉट। भाई देखा अभी मैंने ये वाला राउंड एकदम परफेक्ट था, हमने एबिलिटी यूज़ करने का मौका भी मिल गया और चारों को हमने अकेले भी मार दिया। तो एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्लैश स्क्वाड के लिए ना एक क्लोज रेंज फाइट में बहुत ही पावरफुल ये एबिलिटी होने वाली है यार। और जैसे हम कोई रैंक गेम में अगर एंड जोन की बात करें तो वहाँ पर भी ये बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन दिखाने वाली है। देखा जाए तो भाई गेम चेंजिंग कैरेक्टर यार, वाकई में मजा आ गया। क्रोनो अपडेट तो भाई बहुत ही रौला आने वाला है, दिल खुश हो गया यार ये वाला कैरेक्टर। अगर आप लोग को ये वाला कैरेक्टर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी एक लास्ट राउंड और बचा है, इस पर भी देखते हैं कि क्या सीन रहता है। M249 भाई ने इस बार निकाल दिया है इतनी मोटी गन। चलो भाई MP40 तो निकाल दी, ओपी वाला हेडशॉट, MP40 गेम से निकाल दिया, पर कोई दिक्कत नहीं यार अभी M249 तो अभी भी है। ओके भाई एक टीममेट और था, जैसे ही पीक करेगा ना सीधे बेटा सर पे हेडशॉट खाएगा, सीधे रस करूंगा भाई। इसकी एबिलिटी हमको मेन यूज़ करनी है, एबिलिटी यूज़ करके दिखाऊंगा आप लोग को, सीधे रस करेंगे सीधे एबिलिटी। ओ भाई भाई मेरे को नहीं मार सकता अब, ये देखो ओ भाई कितनी जल्दी तोड़ दी इसने, अच्छा तीन बंदे मार देगा इसलिए जल्दी टूट गया मेरा वो बॉल। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट बंदा बचा है बेटा, पहली फुर्सत में निकल। ओके तो आखिरी बंदा यहाँ पे बचा हुआ, क्या ओपी हेडशॉट लग रहा है ना वैसे MP49 से भी। ओहो चलो कोई नहीं, ग्लू बॉल लगाई लेकिन एक सेकंड पहले अगर लग जाती तो बच जाता, बट कोई दिक्कत नहीं मेरा दोस्त संभाल ही लेगा, तगड़ा डैमेज दे रही है वुड पैकर भी यार। और इसका भी भाई किस्सा खत्म, अपने टीममेट भी सही खेला। बाकी देखा जाए तो एक तरफा हमने यहाँ पे कर दिया है क्रोनो कैरेक्टर से, अगर क्रोनो कैरेक्टर नहीं रहता ना पक्का ये गेम मैं हार जाता, क्योंकि ये देखो गाइस मैंने ऑलमोस्ट सारे राउंड्स में अकेले ही पूरी स्क्वाड वाइप करी थी, टोटल किस अभी देख लेते हैं। और मेरे पास स्किल से नहीं होती ना भाई तो गलती सीन हो जाता। चलो एक बार हमारा स्कोर देख लेते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पर 11 किल्स है एक तरफा ही करा है। तो आई होप गाइस आपने आज का वीडियो एंजॉय करा होगा, जल्दी से वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को दिखा दो क्योंकि इतना ओपी कैरेक्टर आने वाला है। बाकी चैनल पर नहीं होते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।